नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम ऊदन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड भारत भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत आस्था उत्साह अपनत्व और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघक प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर मानव जीवन का अद्भुत महत्व है। हमारा जीवन कर्मायतन है, भोगायतन है, ज्ञानायतन है। पशुआदि शरीरों में जिस प्रयोजन की सिद्धि सर्वथा दुर्लभ है, देव शरीर में रहकर भी जिस प्रयोजन की सिद्धि सुगम नहीं है, उसकी सिद्धि के लिए ही पुण्यों के प्रभाव से भगवान की अनुकंपा के फलस्वरूप यह शरीर हमको सुलभ हुआ है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र का अर्जुन के प्रति यह संदेश और उपदेश है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। यह आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है सज्जन, किंतु भगवान का आगे यह उपदेश भी अर्जुन को प्राप्त है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो प्राणी अकृतार्थ होकर देहत्याग करता है उसका पुनर्भव भी सुनिश्चित है। इस प्रकार जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। जो भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं,
नास्तिकता की धारा में बहते हैं, उनका मत दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर समादर करने योग्य नहीं है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। अगर एक वर्ष की अवधि में उसने 8 ही स्वप्न देखा हो तो भी उसके कई शरीर स्वप्न के मर चुके होते हैं। इसका अर्थ क्या है? शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता, शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। हम जितने बार स्वप्न देखते हैं उतने बार स्वप्न में व्यवहार के संपादन के लिए जो शरीर प्राप्त होता है नष्ट होता जाता है, लेकिन देह के नाश से हम अपना नाश नहीं समझते और देह के भेद से हम स्वयं में भेद को भी नहीं मानते। यह वैदिक सिद्धांत है, इसी के आधार पर कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का निर्वाह संभव है। गांठ बांधने की आवश्यकता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है उसका आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। कहा जा सकता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में धर्म और अध्यात्म की क्या उपयोगिता है? क्या ईश्वर सचमुच में सिद्ध होता है और वह भजनीय मान्य है? इन प्रश्नों का उत्तर भी हृदयंगम करने योग्य है। सज्जनों, सनातन सिद्धांत उसको कहते हैं जो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए अपनी उपयोगिता चरितार्थ करे। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, सदा रहने वाला। इसका अर्थ है जो सनातन सिद्धांत है वह हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए उपयोगी ही है। काल के द्वारा जो सिद्धांत कपलित हो जाए, विलुप्त हो जाए, उसका नाम सनातन हो ही नहीं सकता है। हम उदाहरण देते हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी पृथ्वी की उपयोगिता आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि से सिद्ध है। जल की उपयोगिता आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि से सिद्ध है। तेज की उपयोगिता आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि से सिद्ध है। वायु की उपयोगिता आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि से सिद्ध है। आकाश की उपयोगिता आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि से सिद्ध है। पंचभूतों का जो तारतम्य संघात हमको, आपको यह स्थूल शरीर प्राप्त हुआ है, इसकी उपयोगिता भी आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि में चरितार्थ है। इस शरीर के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्ति हुई है। कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। अंतःकरण और प्राणों की उपयोगिता भी सर्वमान्य है। और सबसे प्राचीन तो हम आप स्वयं हैं जीव। क्या जीव की उपयोगिता इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में नहीं है? जीव की उपयोगिता तो है ही। और जीवन धन जगदीश्वर की उपयोगिता क्या इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में नहीं है? अवश्य है। हम एक संकेत करना चाहते हैं। कुछ महानुभाव कहते हैं ईश्वर कौन है, उनको यह समझना चाहिए कि ईश्वर उसको कहते हैं जो हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय है। हमारी आपकी इच्छा या चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। हम आप चाहते क्या हैं,
इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं, ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता अज्ञता ना समझी मूर्खता की छाया भी न पहुँच सके, अखंड चिद्रूप विज्ञान स्वरूप होकर हम शेष रहना चाहते हैं, हम अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। इसका अर्थ क्या है? असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हम सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहते हैं। हमारी चाह का जो वास्तविक विषय है सज्जनों, बृहदारण्यकादि उपनिषदों ने उसी का नाम परमात्मा रखा है, उसी को ब्रह्म कहा है, उसी को भगवान कहा है, उसी को ईश्वर कहा है। इस तरह से ईश्वर को समझने पर कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं रह सकता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवत तत्व है उसके अस्तित्व को न स्वीकार करे। फिर से सुनिए, हमारी आपकी इच्छा या चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हम दृष्टांतों की झड़ी लगाते हैं, सावधान। हमको आपको प्यास लगती है तो पानी का अस्तित्व डंके की चोट से सिद्ध है या नहीं? अगर जल का अस्तित्व ही ना होता तो किसी को प्यास लगती क्या? हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि पानी का अस्तित्व है। हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भोजन का अस्तित्व है। इसी प्रकार हमारी आपकी चाह का विषय जो सच्चिदानंद है उसका अस्तित्व अवश्य है। और एक बहुत ऊंची प्रसन्नता वाली बात है कि हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा भगवान है और वही हमारा भी वास्तविक स्वरूप है। वैज्ञानिक धरातल पर विचार कीजिए, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। एक कोई फल लीजिए या पुष्प लीजिए, मान लीजिए कि गेंदे का पुष्प आपने लिया, बल और वेग पूर्वक ऊपर की ओर उछाला, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर गेंदे का पुष्प अपने अंशी पृथ्वी की ओर आकृष्ट हुए बिना रहेगा क्या? पृथ्वी गंधवती है, ऊपर वृक्ष है, लता है, उसमें फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, पत्तियां लगती हैं। फल के टूटने पर, पत्ते के टूटने पर, पुष्प के टूटने पर, पत्तियों के टूटने पर उनका आकर्षण केंद्र पृथ्वी ही सिद्ध है, क्योंकि पृथ्वी गंधवती है। ये सब पदार्थ पार्थिव हैं, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। आजकल यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर 25, 30, 50, 100 मंजिल तक जलधारा को हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन जल से युक्त टोटी को 100 मंजिल पर भी खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर आप्लावित होती है। जल के आकर्षण का केंद्र महोदध या समुद्र है। इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यही तथ्य ख्यापित होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की चिंगारियाँ, अग्नि की शिखाएँ ऊपर उठती हैं, क्योंकि वे अंश हैं। अंशी नभोमंडल में उद्दीप्त आदित्य या सूर्य है, तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हमारे आपके अंशी सरीखे जो भगवान हैं वही हमारे आपके आकर्षण के केंद्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए,
ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भावानुवाद किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि भगवान के अंश सरीखे ये जीव हैं। हम आप जो हैं भगवान के अंश सरीखे हैं, भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं। औपाधिक धरातल पर अंश और अंशी की कल्पना की जाती है, सचमुच में भगवान अंशी नहीं बल्कि अंशी सरीखे हैं। सचमुच में हम आप भगवान के अंश नहीं अपितु अंश सरीखे हैं। हम उदाहरण देते हैं, एक कमल का पुष्प लीजिए, एक एक घटक दल को पृथक करते जाइए, दल भी नश्वर सिद्ध होंगे, कमल का पुष्प भी नश्वर सिद्ध होगा। मिश्री की एक डली को लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, मिश्री के रवे विकीर्ण हो जाएंगे, मिश्री भी नश्वर सिद्ध होगी, रवे भी नश्वर सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि भगवान हमारे अंशी ही होते, हम उनके अंशी होते, तो दोनों ही सावयव होने के कारण नश्वर सिद्ध होते। इसका अर्थ क्या है सज्जनों? इसका अर्थ यह है, भगवान हमारे अंशी सरीखे हैं, हम उनके अंश सरीखे हैं, और प्रत्येक अंशी अपने अंश का आकर्षण का केंद्र होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर अंशी सरीखे परमात्मा ही हमारे आकर्षण के विषय हैं। तरंगमाला, यहाँ चंबल की धारा है, तरंगमाला चिल्ला चिल्ला कर कहे जल कौन होता है, तो जानकार क्या कहेंगे? अरे वो नादान, जल वही होता है जो तेरा जीवन होता है, तेरा उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान जल होता है। इसी प्रकार नादान जीव कहता है ईश्वर कौन होता है, प्रबुद्ध जीव कहते हैं अरे वो बंदे, ईश्वर वही होता है जो तेरा वास्तविक स्वरूप होता है, तेरी उत्पत्ति का केंद्र ईश्वर, तेरी स्थिति का केंद्र ईश्वर, तेरे नाश का केंद्र विलय का केंद्र भी ईश्वर, संपूर्ण जगत के उदय स्थान विलय स्थान निलय स्थान, संपूर्ण जीवों के उदय स्थान विलय स्थान निलय स्थान आकर्षण का एकमात्र विषय जो सच्चिदानंद तत्व है सज्जनों, वही हमारा आपका वास्तविक स्वरूप है। जब प्रत्येक अंश स्वभावतः उसके अंशी की ओर आकृष्ट होता है, तो डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित है कि हमारे आकर्षण के विषय एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध होते हैं। मैं एक दृष्टांत देता हूँ, सुवर्ण सोना जिसको कहते हैं, स्वर्ण से आप परिचित हैं, सुवर्ण धातु से कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण विनिर्मित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोने के जेवर आभूषण या गहने पर लट्टू हो जाता है, उसकी नक्काशी पर लोटपोट हो जाता है, तो भी विचार करने की आवश्यकता है, सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादि को कदाचित उसका उपादान कारण मूल मैटर या धातु सुवर्ण धातु थामे ना हो साधे ना हो, तो क्या सुवर्णाभूषण की सत्ता सिद्ध हो या उसकी उपयोगिता सिद्ध हो? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सोने से बने हुए जेवर या आभूषण या गहने से सुवर्ण धातु को कर्षित कर लीजिए, सोने के जेवर का न तो अस्तित्व सिद्ध होगा न उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। ईश्वर किसको कहते हैं सज्जनों? जिसके ऊपर जीव और जगत का अस्तित्व निर्भर है। ईश्वर किसको कहते हैं सज्जनों? जिसके बिना जीव और जगत की कोई उपयोगिता ही सिद्ध नहीं है। इस प्रकार हमारे आकर्षण के केंद्र का नाम ईश्वर है। लगभग 20 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में, क्या यहाँ बिहार के व्यक्ति ज़्यादा हैं क्या? अच्छा अच्छा, बिहार के व्यक्ति ज़्यादा हैं। लगभग 20 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में, ये लोग क्यों हंसे मालूम है? इनको लगा होगा कि बिहार का नाम लिया तो निंदा जरूर करेंगे। Thank you.
हाथी। अब सुनो भी, हंसो भी, सुनो भी। बिहार की राजधानी पटना में एशिया स्तर के 2-3 सर्जन थे, बाकी प्रांतीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के सर्जन थे। उनकी गोष्ठी में, सेमिनार में अध्यक्षता मेरी थी। विषय था चिकित्सा और अध्यात्म। इस विषय पर बोलता हुआ मैंने चिकित्सकों को हंसाते हुए कहा, आजकल दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है, दवा के पैकेट पर दवा की मौत की तिथि अंकित होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दवा की मौत पहले से ही सुनिश्चित है। जिस दवा की मौत पहले से ही सुनिश्चित है, उस दवा का सेवन करके कोई सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है क्या? तो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सज्जनों, पूरे विश्व के सम्मुख में एक प्रश्न रखता हूँ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की महौषधि, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की दवा का आविष्कार किया है क्या विश्व ने? वो अध्यात्म जगत के पास है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की दवा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की विधा जिनके पास है, वो अध्यात्मनिष्ठ मनीषी हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी जड़ता, अज्ञता, नासमझी पर विजय प्राप्त करने का मार्ग किसी भौतिकवादी ने प्रशस्त किया है क्या? नहीं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी ऐसा जीवन जहाँ आनंद ही आनंद हो, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है क्या? नहीं। इसका अर्थ है, हमारी जो भावना है, हमारी जो कामना है, हिंदी में बोलें तो हमारी जो अभिलाषा है, वो क्या है? मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकूं। हर व्यक्ति की भावना है मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकूं। हमारी भावना है कि हम मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकें, अज्ञता, जड़ता पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकें, तीव्र ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर सकें। संभव है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। नहीं संभव है। गाढ़ी नींद आती है, 5-7 घंटे नित्य खर्राटे लेकर सोते हैं या नहीं? हाँ, ठीक है। अब सुनिए, गाढ़ी नींद में किसी को प्यास लगती है क्या? नहीं। स्वप्न में लग सकती है, सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में किसी को प्यास लगती है क्या? नहीं। भूख लगती है क्या? सर्दी लगती है क्या? गर्मी लगती है क्या? जितने भी द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों में किसी भी द्वंद्व की पहुंच गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं है। तो निर्द्वंद हुआ जा सकता है या नहीं? गाढ़ी नींद का अनुशीलन करें तो सिद्ध होता है, गाढ़ी नींद में भगवत कृपा से हमको उस स्थल पर पहुंचा दिया जाता है, हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं जहां सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि किसी भी द्वंद्व की सज्जनों गति नहीं है। तो निर्द्वंद्वता जीवन में संभव है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं, गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है क्या? नहीं। जबकि गाढ़ी नींद गणित की दृष्टि से विचार करें तो 3/4 से भी अधिक मौत है। फिर से सुनिए, गाढ़ी नींद गणित की दृष्टि से विचार करें तो कम से कम 3/4 मौत है। सच्ची बात तो यह है कि 3/4 से भी अधिक मौत का नाम गाढ़ी नींद है। लेकिन प्रतिदिन हम आप प्रायः 5-7 घंटे गाढ़ी नींद की दशा में होते हैं। उस गाढ़ी नींद की दशा में जब आप होते हैं, हम होते हैं, क्या मृत्यु की का भय हम तक पहुंच पाता है? नहीं।
और जागृत में इस समय हम आप जगे हैं, गामा पहलवान ही क्यों ना हो, उसको भी मौत का भय प्राप्त होता है या नहीं? इस सृष्टि की पूरी आयु कितनी है, पृथ्वी की पूरी आयु कितनी, जल की पूरी आयु कितनी, तेज की पूरी आयु कितनी, वायु की पूरी आयु कितनी, आकाश की पूरी आयु कितनी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी, इस पर अगर हम विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की आयु है पृथ्वी की। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष आयु है जल की, तेज की, वायु की, आकाश की। आपने ब्रह्मा जी का नाम तो सुना होगा। ब्रह्मा जी की आयु ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्षों की है, लेकिन मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करने पर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की सिद्ध होती है। उन ब्रह्मा जी को भी जब तक वो व्यवहार में रचे पचे रहते हैं मौत का भय होता है। फिर हमारी आपकी गिनती क्या है, लेकिन वे ब्रह्मा जी भी जब योग निद्रा लाभ करते हैं तब उन्हें मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। हम आप कितने भी हृष्ट पुष्ट स्वस्थ हों, उछलते कूदते हों, लेकिन हमको जब तक जागर दशा में होते हैं मृत्यु का भय प्राप्त होता है। जबकि वैज्ञानिक धरातल पर गणित की दृष्टि से विचार करने पर 3/4 से अधिक मौत की दशा में सुसुप्ति में हम होते हैं, हम तक आप तक मौत के भय की पहुंच नहीं होती। इससे आशा बनती है कि यदि हम सुसुप्ति के रहस्य को विधिवत समझकर व्यावहारिक जीवन में उतारें तो द्वंद्वों से अतीत हो सकते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और प्रश्न है, गाढ़ी नींद में क्रोध किसी को होता है क्या? काम के चपेट में कोई गाढ़ी नींद में पड़ता है क्या? लोभ के चपेट में गाढ़ी नींद में कोई पड़ता है क्या? शोक की प्राप्ति गाढ़ी नींद में किसी को होती है क्या? मोह की प्राप्ति गाढ़ी नींद में किसी को होती है क्या? इसका अर्थ क्या है? जितने मनोविकार हैं जिनके वशीभूत होकर हम इधर उधर भटकते रहते हैं, चाहे वह काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे शोक हो, किसी भी मनोविकार की गति गाढ़ी नींद में हम आप तक नहीं होती। और सबसे ऊंची बात क्या है, ध्यानपूर्वक तो आप सुन ही रहे हैं, राम राज्य का वर्णन रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। गाढ़ी नींद में किसी प्रकार की वेदना की पहुंच हम आप तक है क्या? नहीं। किसी प्रकार के ताप की पहुंच, किसी प्रकार के कष्ट की पहुंच, किसी प्रकार की पीड़ा की पहुंच गाढ़ी नींद में हम आप तक है क्या? नहीं। क्या कारण है? उस समय हम अहंकार को भी त्याग कर ऊपर उठ जाते हैं, भगवान की कृपा से हम उस लोक में चले जाते हैं, जीवन की सूक्ष्म अवस्था हमको प्राप्त हो जाती है, जहाँ न तो दुख की पहुँच होती है, न विषयजन्य आह्लाद या आनंद की पहुँच होती है, स्वरूप भूत आनंद में निमग्न होकर मांडुक उपनिषद के अनुसार आनंद के भोक्ता होकर, आनंद भुक होकर हम 5-7 घंटे तक विद्यमान रहते हैं गाढ़ी नींद में। यहाँ तो सब आस्तिक हैं, बच्चे बालिकाएं भी आस्तिक हैं, कदाचित कोई कम्युनिज्म की धारा में बह रही हों या बह रहे हों तो भी ध्यान दें, सावधान। गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है सज्जन। कम्युनिज्म पर, देहात्मवाद पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। अगर शरीर ही आत्मा है
तो देहात्मवादी, भौतिकवादी, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाला शरीर को भुलाकर सोना क्यों चाहता है? जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी, शरीर को भी भुलाकर सोने की इच्छा रखता है या नहीं? शरीर को भी भुलाकर सोने के लिए उत्सुक होता है या नहीं? शरीर का भावनात्मक वियोग हर व्यक्ति को अभीष्ट है। अगर शरीर को ही देखता रहे, चाहे दर्पण के माध्यम से अपने मुखचंद का ही अवलोकन करता रहे व्यक्ति, आखिर 5-7 दिन के बाद विक्षिप्त या पागल होने लगेगा या नहीं? इसका अर्थ क्या है? यदि शरीर ही आत्मा हो, कम्युनिज्म का सिद्धांत कम्युनिज्म ही सत्य हो, कम्युनिस्टों का सिद्धांत ही सत्य हो, तो कम से कम भौतिकता की धारा में बहने वाले, कम्युनिज्म को स्वीकार करने वाले शरीर को भुलाकर गाढ़ी नींद ही क्यों चाहें? अतः भौतिकवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेरने में समर्थ है, उसके लिए हमारी क्या आवश्यकता है? गाढ़ी नींद का वेग ही देहात्मवाद पर पानी फेर कर व्यक्ति को प्रतिदिन सोने के लिए उत्सुक करता है, विवश करता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में शरीर आत्मा नहीं है। अगर शरीर ही आत्मा होता तो कम से कम जिसे विश्व सुंदर कहा जाता है, जिसे विश्व सुंदरी कहा जाता है, वह अपने शरीर को भुलाकर सोने का उपक्रम नहीं करता। जबकि निद्रा का वेग हर व्यक्ति को शरीर से ऊपर उठकर सोने के लिए बाध्य करता है। और एक विचित्र बात है, विषयजन्य आनंद ही यदि आनंद है तो जिस व्यक्ति को विषयजन्य आनंद भरपूर प्राप्त है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद प्राप्त है, प्रश्न उठता है कि विषयजन्य आनंद ही यदि आनंद हो तो व्यक्ति विषयजन्य आनंद प्रिय मोद प्रमोद को भी भुलाकर ताक पे रखकर गाढ़ी नींद क्यों चाहता है? मैं धीरे से बोलता हूँ ताकि समझ में आवे। दुख हमको पसंद नहीं है, बात ठीक है या नहीं? दुख हमको नहीं चाहिए, सुख तो चाहिए, बात सच्ची है। लेकिन जिसको सुख प्राप्त है, विषयजन्य आनंद प्राप्त है, वह सुख को भुलाकर अगर सोवे नहीं तो पागल होगा या नहीं? इसका मतलब विषयजन्य आनंद ही आनंद होता तो कम से कम जिस व्यक्ति को विषयजन्य आनंद की प्राप्ति है, वह तो उस विषयजन्य आनंद को भुलाकर सोना कथमपि पसंद नहीं करता। सुनिए, रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, घेवर, बाटी, चोखा, चूरमा, ये सब राजस्थान है ना यार? रबड़ी, कचौरी, मालपुआ, श्रीखंड, चोखा, बाटी और ये सब, और क्या बोलते, चूरमा, जिसको जो भोजन पसंद है उस भोजन की प्राप्ति होने पर आनंद विभोर हो जाता है, ठीक। लेकिन विषयजन्य आनंद अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान सत, चंदन, वनिता, व्यंजनादि के सेवन से जो आनंद प्राप्त होता है, अगर वह आनंद ही जीवन को धन्य करने में समर्थ है तो भौतिकवादी ही विजयी होगा। लेकिन वो भौतिकवादी जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वह भी विषयजन्य आह्लाद प्रिय मोद प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है? मैंने तैत्तरीय उपनिषद के आधार पर 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक होता है प्रिय, दूसरा होता है मोद, तीसरा होता है प्रमोद। इच्छित वस्तु के मिलने पर, इच्छित व्यक्ति के मिलने पर जो मन में आह्लाद प्रकट होता है उसका नाम है प्रिय। मान लो किसी को रबड़ी बहुत पसंद है, अब कम नहीं, कम से कम 2.5 किलो रबड़ी वो पचा सकता है, ठीक। अब उस व्यक्ति को 2.5 किलो रबड़ी लाकर दे दें तब रबड़ी के दर्शन मात्र से जो उसके शरीर में
मन में आनंद का उद्रेक होगा उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से या मिलने पर मन में जो आह्लाद की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम है सज्जनों प्रिय। अब उसने रबड़ी पाना शुरू कर दिया तब जो उसको आनंद होगा रबड़ी के मिलने की अपेक्षा रबड़ी के पाने से जो आनंद होगा अधिक होगा ही नहीं, इसी का नाम है मोद। इच्छित वस्तु या व्यक्ति का सेवन करने पर जो आह्लाद विशेष की प्राप्ति होती है उसका नाम है प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद। और 2.5 किलो रबड़ी चट कर जाने पर ओवरफ्लोइंग की जो स्थिति होती है आनंद से विभोर देहेंद्री प्राण अंतःकरण हो जाते हैं, झूमने लगती है आनंद से विभोर होकर आंखें भी, उसका नाम है सज्जनों प्रमोद। अब अगर कोई व्यक्ति प्रिय को ही पकड़ के रखे, मोद को ही पकड़ के रखे, प्रमोद को ही पकड़ के रखे तो भी पागल होगा या नहीं? तो विषय जन्य आनंद को भी व्यक्ति छोड़कर सोने के लिए विवश है या नहीं? तो कम्युनिज्म पर भौतिकवाद के सिद्धांत पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेरने में समर्थ है या नहीं? ये धीरे से बोल रहे, क्या कम्युनिज्म की धारा में बहते हो या बहते हो? अरे विषय जन्य आनंद को भी, दुख को ही नहीं, विषय जन्य आनंद को भी व्यक्ति त्याग कर गाढ़ी नींद प्राप्त कर सकता है। अगर विषय जन्य आनंद मौज मस्ती पूर्ण आनंद आमोद प्रमोद को ही पकड़ के कोई रखे तो भी पागल हुए बिना नहीं रहता। इसके पीछे जो दार्शनिक तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य है वो मैं बताता हूँ, व्यावहारिक तथ्य तो मैंने बता दिया। कल्पना करो कि गुलाब के फूल को छू कर या सूंघ कर मुझे आनंद की आह्लाद की प्राप्ति हो रही है तो गुलाब का पुष्प क्या हुआ? भोग्य। गुलाब के पुष्प के सूंघने पर जो आनंद की अनुभूति हुई उसका नाम है भोग और मैं हो गया भोक्ता। जब विषय के स्पर्श से विषय के माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती है तो तृप्ति बनती है भोक्ता भोग और भोग्य। और जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, दो या दो से अधिक का नाम द्वैत अजहल लक्षणा। और जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिस प्योर या निरक्षय आनंद नहीं होता। अतः दार्शनिक सिद्धांत है कि दुख ही नहीं व्यक्ति सुख को भी भुलाकर सोना चाहता है। इसका अर्थ है कि कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए गाढ़ी नींद का वेग ही पर्याप्त है। अगर शरीर ही आत्मा हो, यहाँ तक कि कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री को भी भुलाकर न सोवे तो पागल हो जाए। प्राण हमको बहुत प्यारा है, प्राणों को भी भुलाकर न सोवे, प्राणस्पंदन को ही गिनते रहें तो पागल हुए बिना न रहें। यहाँ तक कि मन बुद्धि चित्त अहंकार अगर फुदकते ही रहें तो भी हम पागल हो जाएं। शरीर को ही नहीं कर्मेंद्रियों को भी, कर्मेंद्रियों को ही नहीं ज्ञानेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को ही नहीं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी, और अंतःकरण को ही नहीं प्राणस्पंदन को भी व्यक्ति भुलाकर सोना चाहता है। इतना ही नहीं विषय जन्य आनंद कितना ऊंचा क्यों ना हो उसको भी व्यक्ति भुलाकर सोना चाहता है। तो गाढ़ी नींद का वेग देहात्मवाद पर पानी फेर देता है और विषय जन्य आनंद ही सब कुछ है उसी संकृतार्थ हो सकते हैं इस धारणा या मान्यता पर भी गाढ़ी नींद का वेग पानी फेर देता है। एक बार सन 1972 की बात है, ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग श्री कृष्ण बोधाश्रम जी एक दिनों के लिए वृंदावन में जिस आश्रम में पधारे, मैं कई महीने से वहीं रह रहा था। सन 1972 इस पद पर तो मैं 92 में आया या 72 की बात। जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठाधीश्वर सत्संग भवन में अकेले शांत अपने आसन पर बैठे थे।
मैं उनके समीप पहुंच गया, मैंने विधिवत उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया, हाथ जोड़कर बैठ गया। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोचवश पूछ न सका। उन महान भाव ने ही अनुग्रह पूर्वक मुझे पूछ दिया, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। क्या पूछा शंकराचार्य ने मुझको? कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा कि भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आप स्वयं ही देने का अनुग्रह करें। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ज्योतिष पीठाधीश्वर ने 45 मिनटों तक उन्होंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया। उसका सारांश क्या है? उन्होंने कहा कि जिन जीवों को हमको तुमको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, कदाचित हम उन जीवों को भगवत कृपा से गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो हम तुम आगरा या बरेली के जेल में ही बंद हों, पागल खाने में ही बंद हों। उत्तर प्रदेश के दो पागल खाने बहुत प्रसिद्ध हैं, आगरा और बरेली। सुनिए, गाढ़ी नींद सुलभ न हो तो एक और निर्विकल्प समाधि है, अगर निर्विकल्प समाधि लग गई तो गाढ़ी नींद की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं है उन्हें कदाचित गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें सज्जनों। तो साधनहीन प्राणियों को जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। तो गाढ़ी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। अब तक हमने जो सुषुप्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया उसका अभिप्राय क्या है? द्वंद्वों से अतीत हुआ जा सकता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास जितने द्वंद्व हैं, ऐसा जीवन प्राप्त किया जा सकता है जहाँ द्वंद्वों की गति न हो। इसके लिए नमूना बानगी या दृष्टांत है गाढ़ी नींद। कामक क्रोधादि जितने मनोविकार हैं उनसे अतीत जीवन की प्राप्ति हो सकती है, इसका नमूना बानगी क्या है, उदाहरण क्या है, गाढ़ी नींद। और दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों के चपेट से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वेदना शून्य, दुख विनिर्मुक्त, पीड़ा विनिर्मुक्त व्यक्ति जीवन लाभ कर सकता है, इसका नमूना क्या है, गाढ़ी नींद। मृत्यु के भय से अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर सकता है, इसका नमूना या वानगी क्या है, गाढ़ी नींद। गाढ़ी नींद में हम आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी ने दोहावली में मांडूक उपनिषद के भावार्थ को लगभग पूर्ण रूप से अंकित करते हुए क्या कहा? जीव शिव सम सुख सयन सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। सुखपूर्वक सोते समय जीव शिव स्वरूप परमात्मा तो नहीं हो जाता लेकिन शिव कल्प होकर विद्यमान रहता है। स्वप्नावस्था में जीवत्व की काली घटा छा जाती है और जागृत अवस्था में जीवत्व उच्छलित हो जाता है और जीवत्व की पराकाष्ठा व्यक्ति को मृत्यु के भय, मूर्खता और दुख के चपेट में संलग्न कर देती है। अभी हम बताएंगे, अभी जगे हैं ना हम लोग, हमारे पास बैंक बैलेंस क्या है? जिनको अध्यात्म विद्या प्राप्त नहीं है, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनके बैंक बैलेंस का ज्ञान हमको है, आपको अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। किनके पास कितना बैंक बैलेंस है उनके खाते को देखने की आवश्यकता नहीं, बिना खाते को देखकर ही हम समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कहावत है, ये तो बंद लिफाफा पहनने वाले हैं, समझ गए, ये तो बंद लिफाफा पहनने वाले हैं,
तुलसीदास जी ने क्या कहा, जीव शिव सम सुख सयन सपने कछु कर तूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। कितना समय हो गया, कितनी देर बोलना है? कितनी देर और बोलना है? अभी है समय है, कुछ हमको ट्रेन में कुछ असल में ट्रेन भी पकड़नी है, ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए मैंने समय पूछा। तो सुनिए, हमने संकेत किया सज्जनों, जगने पर दीनता मलिनता की पराकाष्ठा के चपेट में जीव आ जाते हैं, विभूति बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद ही प्राप्त होता है। समझ गए? जिनको आप अरबपति समझते हैं, मन में रखिए भाव, उनको कहिए मत, समझिए कि उनके पास विभूति बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद ही है। धरोहर के रूप में, बैंक बैलेंस के रूप में जितने अज्ञ प्राणी हैं जागृत दशा में प्रबल विषाद के चपेट में ही पड़े रहते हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि गाढ़ी नींद में क्या चमत्कृति है कि द्वंद्वों से अतीत, मृत्यु के भय से अतीत, मनोविकार से अतीत, वेदना ताप या पीड़ा से अतीत भूमि में जीवन को हम प्राप्त करते हैं। उसका उदाहरण देते हैं, सावधान, आग जलाने वाली होती है, ऊष्मा प्रदान करने वाली होती है और प्रकाश प्रदान करने वाली होती है। अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक होता है, अग्नि को प्रकट करके प्रज्वलित कर लीजिए और अग्नि के पास आकर बैठ जाइए, अग्नि को तापिए, अग्नि का सेवन कीजिए। दाह के प्रभाव से, उष्णता के प्रभाव से क्या होगा, सर्दी के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। प्रकाश के प्रभाव से क्या होगा, अंधकार के चपेट से मुक्त हो जाएंगे। दाहक प्रकाशक अग्नि का सेवन सद्य फल देता है या नहीं? दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। हम पानी पीते हैं, पानी पीने से तत्काल प्यास की निवृत्ति होती है या नहीं? बल का संचार होता है या नहीं? तृप्ति की प्राप्ति होती है या नहीं? हम भोजन करते हैं, भोजन के कितने फल हैं? तीन फल। अभीष्ट भोजन की प्राप्ति हो जाए तो हर क्षण में, एक एक ग्रास में, एक एक कवल या कौर में क्या होता है, भूख की निवृत्ति होती है, बल या पुष्टि का संचार होता है। और सज्जनों, भोजन का अंतिम फल है तृप्ति, तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो अग्नि का सेवन जिस प्रकार सर्दी और अंधकार के चपेट से हमको मुक्त रखता है, ठीक इसी प्रकार भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप चाह के विषय भगवान तक गाढ़ी नींद में हम आप जीव उनकी कृपा से पहुंचा दिए जाते हैं। गाढ़ी नींद में जो हमको जीवन प्राप्त होता है, वहाँ हम जीव सच्चिदानंद स्वरूप भगवान से तादात्म्यपन्न या एकीभूत होकर 5-7 घंटे तक विद्यमान रहते हैं। यही कारण है भगवान सत्य हैं, तो सत्य के प्रभाव से भगवान मृत्युंजय हैं, अमृत स्वरूप हैं, उनके प्रभाव से हमको मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। भगवान चित हैं, इसलिए उस चिद रूप भगवान के सेवन के प्रभाव से हमको द्वंद्वों की प्राप्ति नहीं होती, मनोविकारों की प्राप्ति नहीं होती। भगवान क्या हैं, आनंद स्वरूप हैं, उनके अत्यंत सन्निकट पहुंच जाने के कारण तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती। लेकिन गाढ़ी नींद ही सर्वस्व नहीं है। यह राजस्थान है, यहाँ तो कीकर बबूल के वृक्ष बहुत होंगे। बबूल का जो बीज होता है, हथेली पर लेकर आप छूइए, सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा भी उसको देखिए, उसमें छिपे हुए कांटे का दर्शन आपको नहीं होगा। लेकिन जानकार व्यक्ति इस तथ्य से परिचित हैं कि बबूल के उस चिक्कण बीज को जब अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संयोग सुलभ होता है, तो बबूल के चिकने बीज से तीक्ष्ण कांटे निकल आते हैं।
इसी प्रकार माना की गाढ़ी नींद में ये सब विशेषताएं हैं, लेकिन द्वंद्वों का, मृत्यु का, दुख का, मनोविकार का बीज अज्ञान शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान, अध्यात्म विज्ञान के बल पर जला डालें हम, इसलिए भगवत कृपा से हमको यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। हमको श्री ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी ने प्रवचन के प्रारंभ में बताया, मेडिकल विभाग के आप विद्यार्थी हैं, 5-7 मिनट चिकित्सा शास्त्र पर भी सुन लें, अध्यापक भी होंगे इसमें। अच्छा, आप केवल हाथ उठा दें, कुछ 2-4 अध्यापक होंगे। अच्छा, बहुत अच्छा जी, सुनिए। एक बार गांठ बांध लो, रोग बीमारी आगंतुक है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। बात समझ में आई? रोग आता है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। हर व्यक्ति स्वतः स्वस्थ ही है, रोग आगंतुक है। एक मैं दृष्टांत देता हूँ, भगवान शंकराचार्य जी ने जो दार्शनिक तथ्य उद्भाषित किया आपके सामने रखता हूँ, सावधान। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता सज्जनों। चंदन क्यों सुगंधित, ऐसा कोई प्रश्न करता है क्या? क्यों नहीं करता? स्वभाव को लेकर प्रश्न नहीं किया जा सकता। आप स्वस्थ क्यों हैं, ऐसा कोई पूछता है? और बीमार हो जाओ तो? हाँ, एक हमारे अध्यापक बड़े तेज थे, संभवतः 9वीं कक्षा की बात है, गणित के अध्यापक थे। हमसे पूछा, क्यों रे कल तुम आया नहीं? मैंने कहा हमारा श्रीमन बीमार पड़ गया। बीमार क्यों पड़ा? वो कायस्थ वर्ण के थे, कायस्थ वर्ण के व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते। अब मैं क्या बोलता, कल तुम दिखाई नहीं पड़े? मैंने कहा कल तो बीमार पड़ गया था। तो बीमार क्यों पड़ा? ठीक है ना, इसका मतलब बीमार पड़ने पर लोग कहते हैं बीमार क्यों पड़ा, बीमारी आगंतुक है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। आगंतुक रोग का अपनोदन, निवारण, निरसन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। चंदन दुर्गंधित क्यों, यह प्रश्न होता है। चंदन सुगंधित क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। यह जीवित क्यों है, कोई पूछता है क्या? वो मर क्यों गए, पूछता है या नहीं? क्योंकि मृत्यु आगंतुक है, जीवन स्वाभाविक है। तो स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है, रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग का निवारण कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। एक चीज यह समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज सद्गुण कहा, जिसके जीवन में जितना सद्गुण होता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और जो अपने जीवन में जितना दुर्गुण पालता है उतना ही अस्वस्थ रहता है। संयम सद्गुण का मूल है, स्वाध्याय सद्गुण का मूल है, सत्संग सद्गुण का मूल है। इसलिए व्यक्ति को संयम के द्वारा स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रमाद के कारण, आहारगत, विहारगत, निद्रागत प्रमाद के कारण व्यक्ति बीमार पड़ता है। और एक संकेत और करते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या अपेक्षित है, जो कि आजकल मिलना ही कठिन है। अभी तो क्या हुआ है, अभी तो इनको 68 साल या 70 साल ही शासन करते हुए हैं। बुरा न मानो विधायक जी, हम किसी दल के नहीं हैं। सुनिए, अभी क्या हुआ है, अगर ये लोग शासन करते रहे तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्यों, सुन लीजिए क्यों।
विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए इस पर कभी किसी दल ने विचार ही नहीं किया। अगर विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए वैसा बनाना लक्ष्य नहीं था तो विभाजन ही क्यों किया, प्रश्न जब उठता है। अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, शिक्षा पद्धति जो भारत में है वो मेकाले की दी हुई है या नहीं? अंग्रेजों की दी हुई है शिक्षा पद्धति? अच्छा आपकी बात नहीं, आपके शिक्षण संस्थान की बात नहीं, उज्जैन नाम सुना है, उज्जैनी मध्य प्रदेश, वहाँ सुदामा और श्री कृष्ण एक ही विद्यालय में पढ़ते थे या नहीं? कितनी फीस सुदामा देते थे, कितनी फीस श्री कृष्ण देते थे, भोजन भी अलग अलग मिलता था क्या? हमारी शिक्षा पद्धति में सुदामा भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे, 32 विद्या 64 कला की शिक्षा सुदामा को भी प्राप्त होती थी तो श्री कृष्ण जी को भी प्राप्त होती थी। हमारी शिक्षा पद्धति अब तक हमारे सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, ठीक विपरीत है। हमारी रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि के प्रकल्प हमारे अपने नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गौरक्ष पशुपालन के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है, और स्वतंत्र भारत में हिंदू एक नंबर का अब तक नागरिक नहीं है। बबूल का पेड़ बो के आम का फल चाहना, तो सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। इस परतंत्रता की बेड़ी से सचमुच में भारत को ऊपर उठाकर स्वतंत्रता दिलाना विद्यार्थियों का कर्तव्य है, दायित्व है। अब भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह कोई भी प्रकल्प हमारे अपने नहीं रहने दिए गए, हमारी पहचान ही विलुप्त कर दी गई, इसी का नाम स्वतंत्रता है क्या? अब सुनिए, जब किस रॉकेट कंप्यूटर या मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं वे सबके लिए अमोघ हैं, वरदान स्वरूप हैं। 5-7 मिनट और कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। सारा विश्व जानता है कि विश्व को अर्थशास्त्र भारत ने दिया, हमारे आपके मनीषियों ने, पूर्वजों ने दिया। विश्व के जितने अर्थशास्त्र के मनीषी हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं अमेरिका आदि के, सबको बुला के दिखा दो, आप एक सेमिनार का आयोजन करो, अर्थ की वो परिभाषा भी ठीक से नहीं बता सकते, आज भी नहीं बता सकते, अगर उन्होंने वैदिक वाङ्मय का अध्ययन नहीं किया है, अर्थ की परिभाषा नहीं बता सकते। विश्व को अर्थशास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, काम शास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, धर्म शास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, मोक्ष शास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, चिकित्सा का विज्ञान हमारे पूर्वजों ने दिया, शल्य चिकित्सा का उपक्रम हमारे पूर्वजों ने दिया, वास्तु विज्ञान हमारे पूर्वजों ने दिया। आप लोग बाइनरी सिस्टम जानते हो ना, कन्वर्ट कर लेते हैं जितनी भी संख्या हो 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं या नहीं, इसको द्वयंग पद्धति कहते हैं। ये बाइनरी सिस्टम किसने दी है? भारत ने। आप लोगों को कंप्यूटर पता है? कंप्यूटर किसने दिया नहीं मालूम, नाम किसी का भी ले लो, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें जगतगुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, नाम सुना है? उसमें कुल 16, 13, 3
संस्कृत के छोटे छोटे 32 सूत्र हैं, उन महान भाव के जो अंग्रेज गणितज्ञ अंग्रेज शिष्य बने, उन गणितज्ञ अंग्रेजों के जो शिष्य बने, भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज के शिष्य और प्रशिष्य जो अंग्रेज थे, उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार किया, चिकित्सा का विज्ञान, सारा विज्ञान विश्व को भारत से गाया है। मैं एक संकेत करता हूं, आज स्वतंत्र भारत में भी भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग करने की क्षमता नहीं रखता। हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी भारत में या बाहर जाकर बिकती है या नहीं? देश का उत्कर्ष कैसे होगा? हमारी मेधा शक्ति बिकने के लिए उत्पन्न की जाती है। ये जितने प्रायः शिक्षण संस्थान हैं, मान लो कोई MBBS IAS IAS पायलट इंजीनियर डॉक्टर होगा, तो कम से कम उसके परिवार के 50 लाख रुपए तो वहां तक पहुंचाने के लिए खर्च होंगे। 50 लाख रुपए खर्च करके जब कोई DG बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा और अमुक पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो कम से कम 50 करोड़ से खेलने का प्रयास करेगा या नहीं? क्या देश का विकास होगा? हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाना, ये देश का अपकर्ष है या उत्कर्ष? इसलिए भीष्म जी ने कहा, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राष्ट्र की संरचना उस ढंग से होनी चाहिए कि व्यक्ति बाजार का सौदा न बने, राष्ट्र बाजार का सौदा न बने। और 70 वर्षों में भारत में हर व्यक्ति को, पूरे प्रांत को, पूरे देश को बाजार का सौदा बनाया जा रहा है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, भीष्म जी ने कहा। इसलिए मैं अधिक समीक्षा न करके कहना चाहता हूं, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता भारत में राजनीति का पर्याय बन चुकी है। हमको ऐसा शासन चाहिए भारत में जो सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से निर्मुक्त हो और भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का भारत के हित में, फिर संपूर्ण विश्व के हित में उपयोग हो। हमारा कच्चा माल 100 रुपये KG बाहर जाता है, 5 लाख 10 लाख KG हम खरीदते हैं, कैसे देश उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है? भारत गाय को, बैलों को, भैंस को, भैंसों को कटवाकर मांस का निर्यात करके विश्व में एक नंबर का देश बनना चाहता है। गायों को कटवाकर, भैंस को कटवाकर इनका मांस भेजकर जो भारत उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने मान बिंदुओं की रक्षा कैसे कर सकता है? मैंने चंबल को देखा, रोना आ गया। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होगा, कोई भी सनातन मान बिंदु हमारा सुरक्षित रहेगा? संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, अंत में मैं संकेत करता हूं, जहां परंपरा के ब्राह्मण नहीं है, वर्ण संकरता की पराकाष्ठा है, जहां परंपरा के क्षत्रिय नहीं है, उन अंग्रेजों से शिक्षा भी लेने की क्षमता भारत को अब तक नहीं आई। पोप जी की गद्दी चलती है या नहीं? पोप जी शहर में रहते हैं, पोप जी उसको राजधानी की मान्यता प्राप्त है या नहीं? पोप जी को सेनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष की मान्यता प्राप्त है या नहीं? देखो, उन्होंने अपनी व्यास गद्दी को, वैकल्पिक व्यास गद्दी को सुरक्षित रखा है। और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले से ही शंकराचार्य की गद्दी को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। 25 वर्षों से तो मैं ही यातना भोग रहा हूं। आज वह व्यक्ति दो दिन शंकराचार्य के पद पर नहीं रह सकता जो किसी दल के द्वारा जूठा न किया गया हो। ऐसी परिस्थिति में सज्जनों, भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने के लिए सूझबूझ और उचित संदेश लेने देने की आवश्यकता है। तो हमने एक संकेत किया, छत्री उनके यह नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ या एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? अपने यहाँ उन्होंने राजगद्दी सुरक्षित रखा है, व्यासपीठ सुरक्षित रखा है, और हमारे यहाँ राजगद्दी और व्यासपीठ को उच्छिन्न करने का भरसक प्रयास किया है। इसलिए सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है। सज्जनों, सबसे बड़ी विपत्ति यह है भारत में कि भारत की मेधा शक्ति कुचली जाती है,
गिरती है, कुचली जाती है, तो विश्व हमारी ओर दौड़ता है। समझ गए? विश्व हमारी ओर दौड़ता है, हम विश्व की और पाश्चात्य जगत की ओर दौड़ते हैं। इतना मैंने इसलिए कहा कि आपके आपकी दृष्टि में होना चाहिए कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र नहीं है। तीन चार वाक्य और कहते हैं सावधान। 1846 तक अफगानिस्तान, जिसको गांधार या काबुल भी कहते हैं, भारत था या नहीं, भारत का हिस्सा था या नहीं, रणजीत सिंह जी पंजाब के वो राजा थे या नहीं, वहां के अंग्रेजों ने उसको पृथक किया भारत से, फिर वर्मा को भारत से पृथक किया, फिर श्रीलंका को भारत से पृथक किया, फिर 14 अगस्त 1947 को दो खंडों में पाकिस्तान बना दिया। इतना विभाजन 1846 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने देश का किया, और भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भारत की सीमा पड़ोसी राष्ट्र को खिसकती ना हो, खिसकाई ना जाती हो। हमसे तो कोई पोलपट्टी छिपी नहीं है। इसका मतलब भारत को विखंडित करो, विखंडित करो। भारत ने जो विकास की परिभाषा निर्धारित की है, क्या है वो जी? एक देश को 3 देश बना दो, एक प्रांत को 3 प्रांत बना दो, एक जिले को 3 जिले बना दो, एक तहसील को 3 तहसील बना दो। भूमि पर प्रहार पड़ता है यानी, इसका मतलब अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। इसलिए भारत को भारत के रूप में उद्घाषित करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है राजनीति की स्वस्थ परिभाषा भारत में निर्धारित हो, विश्व स्तर पर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए। वो स्वस्थ परिभाषा क्या है? राजनीति की स्वस्थ परिभाषा, सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त परिभाषा क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ और सब हितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना। अंत में सज्जनों, आपका जो विषय है स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? अनुकूल शब्द और शब्द को प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल स्पर्श और स्पर्श को प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल रूप और रूप को प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल रस और उसको प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल गंध और उसे प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल संकल्प, अनुकूल विकल्प, अनुकूल निश्चय, अनुकूल स्मरण, अनुकूल गर्व स्वस्थ बनाता है व्यक्ति को, जीवन व्यक्ति के जीवन को। लेकिन यहाँ जिन तत्वों से शरीर की रचना हुई है, वे तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करके विकृत, दूषित तथा क्षुब्ध कर दिए गए हैं। जब शरीर को बनाने वाला जो तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये भी विकृत, दूषित और क्षुब्ध हैं, तो हम आप स्वस्थ ही कैसे रह सकते हैं? इसलिए भव्य भारत और विश्व की संरचना का मन ही मन व्रत लेकर फिर आप लोग सचमुच में स्वस्थ। गीता के 14वें अध्याय में कहा गया, हमारा आपका जो स्थूल शरीर है व्याधि मुक्त हो, सूक्ष्म शरीर आदि मनोरोग से भी मुक्त हो, कारण शरीर अविद्या से मुक्त हो और जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो, इसका नाम सज्जनों स्वास्थ्य है, स्वस्थ है। इसलिए वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने की आवश्यकता है। आपने बहुत ही आह्लाद पूर्वक प्रवचन सुना, बहुत अच्छा। हम जब DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के विद्यार्थी थे, हमको कहीं इस प्रकार कोई प्रवचन सुनने को मिलता तो भाग्य मानते, हमसे अधिक भाग्यशाली आप हैं। समझे? बहुत ऊंची बात है, हमें बहुत प्रमुदित किया आप मान भावों ने, आस्था पूर्वक आह्लाद पूर्वक प्रवचन को सुना। हर हर महादेव।